नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है नियो वोल्टेक। दोस्तों एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं विजया बैंक के अंदर निकली हुई क्लर्क की भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 12वीं क्लास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन का मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो बने रहे पूरे वीडियो के अंदर। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम देते हैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से जुड़ी हुई भर्तियों की खबर आपको सबसे पहले। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस नई भर्ती की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है कि बैंक प्रदान करती है, ऑप्शन है केंद्रीय सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं, वित्तीय सेवाएं या अन्य सेवा। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बैंक द्वारा ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो ओपनिंग रजिस्ट्रेशन है वो है 12 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, आज से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और इसकी लास्ट डेट जो है 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं आप 18 से 28 साल। अगर आप कम से कम 18 साल के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, मैक्सिमम 28 साल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर है, उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए है ओनली सिर्फ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ लिख रखा है जेंडर मेल। ठीक है दोस्तों, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 12th क्लास पास लिख रखा है। ठीक है, और इक्विवेलेंट्स भी है प्रेफरेबली ग्रेजुएट्स। अगर ग्रेजुएट्स भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 12वीं क्लास पास कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है 11,765 रुपये। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 655 रुपये जो है साल में आपके इंक्रीमेंट होता है, जो कि 3 साल तक रहेगा यहाँ पर, तो टोटल इनकम हो जाएगी आपकी 13,730। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको 815 रुपये 3 साल का इंक्रीमेंट रहेगा एक एक साल के लिए, तो आपकी टोटल सैलरी जाएगी 16,175। ठीक है दोस्तों, ये जो सैलरी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत कम लोग हैं जो आपको इसकी नॉलेज दे पाएंगे, और इसकी जानकारी कई बच्चों को होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ये पे स्केल जो दे रहे हैं ये किस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद में सैलरी हो जाएगी 16,175, उसके बाद में 980 रुपये एक एक साल के 4 साल तक बढ़ेंगे तो सैलरी हो जाएगी 20,095। ठीक है, उसके बाद में ये जो है 1,145, ये 7 साल तक बढ़ेंगे हर साल, तो टोटल सैलरी हो जाएगी आपकी 28,110। ठीक है, उसके बाद में 2,120 जो कि एक साल के लिए बढ़ेगा तो हो जाएगी आपकी 30,230। उसके बाद में 1,310 एक साल के लिए तो 31,540। तो ये 20 साल तक में आपकी सैलरी ये रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, ये 20 साल तक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आप बात करते हैं यहाँ पर नंबर वैकेंसी की। नंबर वैकेंसी बात करते हैं तो यहाँ पर 10 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे के अंदर वैकेंसी भी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-4 वैकेंसियाँ यहाँ पर दे रखी इन्होंने। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी स्पोर्ट्स की जो है आपका सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं आपके फॉर्म के साथ में। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आप देख सकते हैं, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ट्रायल, कॉल लेटर फॉर द पर्पस विल बी इशूड टू ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स। ठीक है दोस्तों, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 50 रुपये SC ST की है और 300 रुपये है जो अदर्स जनरल्स की और OBC कैंडिडेट की है। ठीक है दोस्तों, प्रोविजन पीरियड यहाँ पर आपका साफ लिख रखा है 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पर जो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी दे रखी है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़े, फिर उसके बाद किसी भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो नोटिफिकेशन को, किसी भी भर्ती की पूरी जानकारी ले, उसके बाद आप किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको जानकारी नहीं ली तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।